अस्सलाम वालेकुम फिजान भाई, कैसे सर? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। थोड़ा सा वैसे ही कहीं निकले थे तो सोचा फिजान भाई से कुछ रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से कुछ डिस्कशन हो गए कि क्या हालात हैं, रियल एस्टेट मार्केट इतना डाउनफॉल का शिकार क्यों है, और जो अगला ये साल जो आ रहा है या बल्कि आ चुका है, ये कैसा गुजरेगा रियल एस्टेट मार्केट के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फिजान भी, वजूहत थोड़ी सी बता दें जी कि थोड़ा सा ये डाउनफॉल इस वक्त जो चल रहा है क्या वजह इसकी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यार जो मेरी अपनी राय है, ज़ाती राय है, रियल एस्टेट मार्केट गिरने की वजह जो मेन वो है, वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं कंट्री के अंदर, वो एक मेन सबब है इसका। अभी आप देख लें कि महंगाई किस तरफ जा रही है और बाकी जो भी मुल्क की सूरत हाल हैं, डॉलर आप देख लें और इंस्टेबिलिटी जो है कंट्री के अंदर, उस वजह से जितनी भी आपके फॉरेन में बैठे हुए लोग हैं, जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो लोग अभी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं। बेसिकली जब बाहर से पैसा नहीं आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लोकल जो हैं, जो विद इन द कंट्री जो लोग हैं, वो जब अपना पैसा रोटेट नहीं करेंगे, सर्कुलेट नहीं होंगे चीज़ें, तो तब तक मार्केट फ्लॉरिश नहीं कर सकती मेरे ख्याल से। तो अभी तो मार्केट तकरीबन सारी रुकी हुई है, जो लोग बेचना चाह रहे हैं उनकी चीज़ें नीचे बिक रही हैं, जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो भी डरे हुए हैं यार कि रेट मज़ीद नीचे ना चले जाए। तो फिलहाल तो करंट सिनेरियो तो ये है, यानी कि ज़्यादातर डिपेंड कर रहा है हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। असल में देखें, जब आपके मुल्क का निज़ाम बेहतर तरीके से चलेगा ना, वहाँ पे कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, वहाँ पे कोई आपकी लाइन ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बेहतर होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जब ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी तब वो है कि आपकी मार्केट प्रॉपरली ड्राइव होना शुरू हो जाती है, चलना स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी मार्केट जब प्रॉपरली चलेगी तो ही आपकी सेल परचेज जो है, ट्रेड जो है, बेसिकली मेरी नज़दीक जो सबसे मेन फैक्टर है वो ट्रेड है। जब तक आप, जब आपका ट्रेड रुक जाएगा, सेल परचेज बंद हो जाएगी, तब आपकी चीज़ें, आपका प्रॉफिट जो है सस्टेन नहीं कर पाती, चीज़ें रुक जाती हैं, गिर जाती हैं। क्योंकि बेसिकली जब लोग पैनिक हो जाते हैं ना, अब ये जो हमारी मार्केट है इसमें लोग पैनिक हो गए हैं, जैसे मेट्रो सिटी की मार्केट ले लें, या आप बैरिया की मार्केट ले लें, डी एच ए की मार्केट ले लें, डी एच ए वैली ले लें, आप ब्रांड्स हैं ये सारे, तो इनकी मार्केट गिरने की बेसिक वजह ये थी कि लोग अब चीज़ों को लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाह रहे, वो ये सोच रहे हैं यार कि कल ऐसा ना हो कि कोई, अल्लाह ना करे, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएं, फिर हमारे पैसे की वैल्यू मज़ीद गिर जाएगी, लोग पैसों को कैश कराना चाह रहे हैं। और हत्ता कि मेरी जहाँ तक नॉलेज है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैंक के अंदर पैसा नहीं रख पा रहे, वो डर रहे हैं इन चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेट जाके फैक्टर वही होता है कि उससे मार्केट आपकी जो क्रैश कर जाती है। और अभी रियल इस्टेट की मार्केट क्रैश की तो ऑलरेडी कर चुकी है। इसमें देखें दो प्रॉस्पेक्टिव है, एक प्रॉस्पेक्टिव ये है कि अगर आप डाउन मार्केट में चीज़ें परचेज करते हैं, उसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि मार्केट ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है और आपको बहुत अच्छे रेट के ऊपर चीज़ मिल जाती है। और जो सेलर हैं, मेरे उनको ये मशवरा है कि कोई भी बंदा डाउन मार्केट के अंदर चीज़ अपनी सेल ना करे, क्योंकि माह, दो माह, चार माह, छः माह में जैसे इंशाल्लाह स्टेबिलिटी हो जाती है मुल्क के अंदर, मार्केट वापस चलना शुरू हो जाएगी, तो ये चीज़ें अपना वापस वही जो रेट था वो वापस अचीव कर पाएंगी। अभी आप लास्ट में बेचेंगे, लेट्स सपोज कि एक बैरिया का प्लाट अगर आप 10 लाख 15 लाख रुपये नीचे बेच देते हैं, तो ये लॉस आप उन पैसों से कवर नहीं कर पाएंगे अभी इस मार्केट के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी लोगों को चीज़ें बेचनी चाहिए, उसको होल्ड करना चाहिए ताकि मार्केट भी बेहतर हो जाए, और जैसे ही चीज़ें होल्ड करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली चीज़ों के ऊपर प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अभी जो 2023 का साल है, इसमें बेसिकली आप देखें, इसको इलेक्शन का साल ही कह रहे हैं पंजाब के, अभी अगले 2-3 महीने के अंदर पंजाब के इलेक्शन होंगे, फिर अगले 2-3 महीने जो जनरल इलेक्शन है उसकी तरफ मुल्क चला जाएगा। तो आप क्या देखते हैं कि 2023 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है या मार्केट कितनी जल्दी दोबारा रिकवर करेगी? सर हमारी दुआ है इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए हमारे मुल्क के अंदर, ताकि हमारा मुल्क भी बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी तरह हमारा मुल्क भी तरक्की कर सके ना। हम ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, ज़रा पॉलिटिकल एजेंडा उस तरह प्रॉपरली नहीं बयान कर सकता कि स्टेबिलिटी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, लेकिन हमारी ख्वाहिश है, अल्लाह करे, एज़ अ पाकिस्तानी हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे हमारा मुल्क स्टेबल हो जाए और हमारी भी मार्केट, दुनिया की जो मार्केट है उसकी तरह फ्लॉरिश कर पाए। अभी आप पूरी दुनिया की मार्केट देख लेंगे, हर तरफ लोग जो है वो डे बाय डे ग्रो करते जा रहे हैं और हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। एक तरफ हम क्लेम कर रहे हैं जी कि हम न्यूक्लियर वेपन और दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी के साथ हम बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो बातें चल रही हैं हमारे डिफ़ॉल्ट होने की। तो ये इस हवाले से जब देखता है बंदा तो उसको तकलीफ़ होती है अपने मुल्क के हालात देख के, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि स्टेबिलिटी आ जाए। और ये है कि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि अगर मुल्क ना रहा तो ये कल अपना चूर्ण किधर जाके बेचेंगे, तो वो तो इसी सूरत बेच पाएंगे, या हम लोगों को जो है ना वो
यूज़ कर पाएंगे जब हमारे पास मुल्क होगा, जब नहीं होगा तो फिर ज़रा जो हमारी हैसियत है आज तो कल उनकी हैसियत भी वही होगी। तो अल्लाह करे कि स्टेबिलिटी आ जाए इसमें, तो फिर मार्केट भी ग्रो कर पाएगी और फिर इंशाल्लाह मुल्क भी चल पाएगा। तो अगर मुल्क ही नहीं चल पाता फिर मार्केट के लिए तो ज़रा मुश्किल मामला थे। तो हमारी ये एक आइडिया क्या बताते हैं कि कितने टाइम तक दोबारा थोड़ी सी मार्केट के अंदर देखें रिवाइवल, जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है रिवाइवल स्टार्ट हो जाएगा फौरन से ही, क्योंकि उसकी वजह ये गवर्नमेंट आएगी तभी ये सारे। देखिए ये सिर्फ मजबूत गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जब लोगों को ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी ना। लेट्स सपोज अभी आप मिसाल ले लें, जैसे हमारे क्लाइंट्स हैं दोस्त यार बैठे हुए हैं यूरोप में बैठे हुए हैं, अमेरिका यूएसए कनाडा बैठे हुए हैं, तो अभी वो अपना पैसा यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो अपना पैसा होल्ड कर रहे हैं, वो अपने पास पैसा जमा कर रहे हैं। जैसे ही आपके अंदर यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, उन लोगों ने अल्टीमेटली वो पैसा जो जमा करके रखा होता है वो अपने मुल्क मूव करना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है उन्होंने। तो जैसे ही पैसा बाहर से आना स्टार्ट होगा, लोकली जो लोग हैं जो डर के बैठे हुए हैं अपना पैसा दबा के बैठे हुए हैं, जब उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी यार कि आपका मुल्क जो है ना सही ट्रैक पर चल पड़ा है, तो फिर इंशाल्लाह लोग अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर जैसे ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह तो फिर आपकी मार्केट जो है वो बेहतर इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेगी। चले उम्मीद है कि इस नेक तमन्नाओं के साथ, ख्वाहिशात के साथ ये वीडियो एंड करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर दोबारा से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, मजबूत एक गवर्नमेंट आएगी और इंशाल्लाह दोबारा से रियल एस्टेट मार्केट जो है वो ग्रो करेगी। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। शुक्रिया जी साहब।